Hi friends, welcome back to my YouTube channel. So first of all, wish you a Merry Christmas. So aaj ka mera ye video hai special Christmas plum cake. So iske liye abhi ingredients dekh lete hain. तो प्लम केक बनाने के लिए हमें चाहिए बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स, नट्स, रेजन्स. फिर यहाँ पे मैं ले रही हूँ ऑरेंज जूस, मैदा, वनीला एसेंस, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और कोकोआ पाउडर भी. और इसके साथ मैं यहाँ पे बटर भी ली हूँ. सो फर्स्ट यहाँ पे मैं ऑरेंज जूस में ऐड कर रही हूँ जो ड्राई फ्रूट्स रेजन्स थे, और टूटी फ्रूटी भी मैंने लिया है तो उस पर मैं ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लूँगी. और उसको मैं 1 से 2 घंटा के लिए उसको मैं अब्सॉर्ब करने के लिए रखूँगी. हम जितना ज़्यादा टाइम रेजन्स, ड्राई फ्रूट्स को ऑरेंज जूस में मिक्स करके रखेंगे उसकी फ्लेवर उतनी ही अच्छी आएगी केक में. अभी नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ चीनी 2 से 3 कप. फिर उसको मैं पूरे हाई फ्लेम में उसको मैं कैरमलाइज कर रही हूँ. उसमें हम बिल्कुल पानी उसमें ऐड नहीं करना है और अच्छे से उसको कैरमलाइज करना है. इस स्टेप को हमें 2 से 3 मिनट करना है. फिर उसको हम गैस को ऑफ करने के बाद उसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे. यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ पानी. देखिए फ्रेंड्स, इसकी कलर कितनी ही अच्छी हो गई है. अभी हम करते हैं नेक्स्ट स्टेप. जैसे कि यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 कप दूध. फिर बटर को मैंने मेल्ट किया है, फिर उसको ऐड की. फिर उसके बाद थोड़े से वनीला एसेंस में ऐड करती हूँ, लाइक 4 to 5 ड्रॉप्स. फिर उसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी. यहाँ पे मैं ले रही हूँ मैदा 1 कप. फिर उसमें मैं ऐड करूँगी बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और कोकोआ पाउडर भी. फिर उसमें मैं ऐड कर रही हूँ जो कैरेमल मैंने बनाए थे उसको मैं ऐड कर रही हूँ, ताकि अच्छी सी एक बैटर बन जाए. हमें उसको अच्छे से मिक्स करना है. फिर उसमें जो मैंने पहले से बनाई हुई थी जो रेजिन्स की एक मिक्सचर, तो उसमें मैं ऐड करके फिर उसको अच्छे से मिक्स करूँगी. यहाँ पे मैं एक बोल ले रही हूँ. फिर उसमें मैं थोड़ा सा मैदा ऐड कर रही हूँ और उसको अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ. क्योंकि मैं ये केक प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, तो ये स्टेप स्पेसिफिकली मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. फिर उसको मैं जो बैटर बनी हुई है उसमें मैं ऐड करके यहाँ पे थोड़ा सा डेकोरेशन कर रही हूँ, टूटी फ्रूटी, नट्स, ये सब डाल के. फिर हमारी नेक्स्ट स्टेप पे अभी प्रेशर कुकर में मैं अभी नमक डाल देती हूँ उसके बेस में. फिर जो छोटा सा ये बोल है स्टील का, उसके ऊपर मैं प्लेस कर रही हूँ. फिर उसको प्री हीट करना है प्रेशर कुकर को 1/2 घंटा के लिए पूरे लो फ्लेम में. फिर उसमें मैं ऐड कर रही हूँ जो मैंने हमारे जो केक की बैटर है वो बॉल को मैं उसको प्लेस करके कवर कर लूँगी और उसको लाइक 45 to 60 मिनट तक उसको बेक करना है. फिर उसको एक प्लेट में निकाल के
देखिए हमारी केक तो अभी रेडी हो गई है क्रिसमस के लिए। आप एक टूथपिक लेके उसे पोक भी कर सकते हो केक को, ताकि आपको पता चले कि आपकी केक पूरी रेडी है। सो फ्रेंड्स, हमारी प्लम केक तो अभी रेडी है खाने के लिए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फ्रेंड्स। थैंक यू।